नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज। पंजाब में सभी 117 सीटों पर 20 फरवरी को वोटिंग हुई थी, जिसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। 7 मार्च को विभिन्न एजेंसियों द्वारा एग्जिट पोल के नतीजे पेश कर दिए गए हैं, जिसके आधार पर ये पता लगाया जाता है कि कौन सी पार्टी कितने पानी में है। पंजाब में कुल 117 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 59 सीटें जरूरी होती हैं। कई एग्जिट पोल में पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। साल 2017 में कांग्रेस ने 77 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। आइए आपको 5 मुख्य चैनलों के एग्जिट पोल की औसत नतीजों से रूबरू कराते हैं। इंडिया टुडे एक्सिस के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 76 से 90 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 19 से 31 सीटें, बीजेपी को 1 से 4, जबकि श्रोमणि अकाली दल को 7 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। टुडेज चाणक्य न्यूज 24 के एग्जिट पोल के अनुसार पंजाब में आपकी सरकार बनती दिख रही है। आपको 100 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और श्रोमणि दल को 10-10 सीटें और बीजेपी को 1 सीट, वहीं अन्य के खाते में 0 सीटें गई हैं। रिपब्लिक टीवी के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 62 से 70 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 23 से 31 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 16 से 24, तो वहीं अन्य दलों में 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी को 51 से 61, कांग्रेस को 22 से 28 और अकाली दल को 20 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी को 7 से 13 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। टीवी 9 भारत वर्ष के एग्जिट पोल में हालांकि पंजाब में आपके लिए 56 से 61 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। सभी के एग्जिट पोल पर ध्यान दें तो सत्तारूढ़ कांग्रेस को पंजाब में दूसरा स्थान मिलने का अनुमान लगाया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें सी लॉट न्यूज के साथ। धन्यवाद।